Assalamu alaikum. By the grace of Almighty Allah and His blessings, Sahara Foundation NGO steps in the third year after completing successfully its 2 year. Sahara Foundation NGO जो बेलगाम में आज मशरूफ व मारूफ इदारा बन चुका है, जो लोगों की खिदमत के लिए सबसे आगे बढ़कर काम कर रहा है, जो कंटिन्यूसली काम कर रहा है, हर हफ्ते हर दिन हमारे मेंबर्स लोगों की खिदमत के लिए, खिदमत खल के लिए काम करते हैं। सहारा फाउंडेशन एनजीओ 2 नवंबर 2020 में बना है, तब से लेकर अब तक हम लोग कंटिन्यूस में काम कर रहे हैं। सहारा फाउंडेशन एनजीओ बनाने का रीज़न ये था कि जो गरीब लोग हैं, जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनको मदद करने के लिए, जो भी कम्युनिटी का होने दो, जो भी कास्ट का होने दो, जो भी एरिया का होने दो, उन तमाम की मदद करने के लिए ये सहारा फाउंडेशन एनजीओ बनाया गया है। सहारा फाउंडेशन एनजीओ बहुत सारे सोशल वेलफेयर प्रोजेक्ट्स में काम करता है, जैसे कि हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट। अभी तक हमारा काम जो चल रहा है बेलगाम सिटी में चल रहा है, और आने वाले 1 या 2 साल में हम बेलगाम के रूरल एरियाज़ को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, और वहाँ के लोगों की भी हमें ज़रूरत है कि वो हमसे जुड़ें, हमारे साथ दें, हमारे वॉलंटियर बने और हमारे साथ मिलकर अपने एरियाज़ को सुधारें, अपने लोगों की मदद करें। सहारा फाउंडेशन ने अब तक बहुत सारे एक्टिविटीज़ किए हैं, बहुत सारे कैंप किए बेलगाम के, तकरीबन हर इलाके में जाकर लोगों को खिदमत को अंजाम दिया है, लोगों की बुनियादी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए काम किया है, जिसमें से कुछ मैं आपके सामने मुख्तलिफ़ सर्विसेज़ को मैं आपके सामने बताऊँगा। COVID-19 के टाइम से ही हम लोग आज तक फ्री ऑक्सीजन सिलेंडर, फ्री ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर और फ्री एम्बुलेंस सर्विस दे रहे हैं। ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर हम लोग पहले दे रहे थे, फिर सेकेंड वेव के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे ये फिल हो नहीं पा रहे थे, इसके लिए हम लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर को इंट्रोड्यूस किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बचाने में हम लोग कामयाब हो गए। और इसके साथ साथ सहारा फाउंडेशन ने COVID-19 वैक्सीनेशन कैंप किया। ये वैक्सीनेशन कैंप हमारे उज्जवल नगर में और ये अतराफ के एरियाज़ में पहला कैंप था, जिसके अंदर 1200 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया, और फर्स्ट वैक्सीन और सेकेंड वैक्सीन दोनों इधर किए गए। सहारा फाउंडेशन हर साल डेंगू प्रिवेंशन कैंप करता है। जितने भी स्लम एरियाज़ हैं जहाँ पे डेंगू के इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं, और डेंगू जैसा आप सबको पता है कि डेंगू एक जानलेवा बीमारी है, तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए सहारा फाउंडेशन हर साल डेंगू प्रिवेंशन कैंप करता है। पिछले साल 12,000 से ज़्यादा लोगों को डेंगू की जो इम्यूनिटी बूस्टर है वो दी गई थी, होम्योपैथिक मेडिसिन होती है। इस साल हम 15,000 से ज़्यादा लोगों को ये इम्यूनिटी बूस्टर देना चाहते हैं। जिन लोगों को दवाई पीनी है, जहाँ जहाँ पे हमारे कैंप होंगे वहाँ आकर अपना इम्यूनिटी बूस्टर लें, अपनी दवाई पीकर जाएं। पिछले साल सहारा फाउंडेशन ने फ्री आई टेस्टिंग कैंप किए थे, जिसमें 3,800 से ज़्यादा चश्मे दिए गए और 650 कैटरेक्ट मोतियाबिंद की सर्जरी की गई। ये मोतियाबिंद की जो सर्जरी हम लोग करवा रहे हैं, एक एरिया में जितने लोग होते हैं उनको एक ही टाइम में हम अपनी फ्री ट्रांसपोर्टेशन में लेकर जाते हैं केली हॉस्पिटल को, जिसके अंदर फ्री मेडिसिन, फ्री ट्रांसपोर्टेशन, फ्री फूड होता है पेशेंट को। ये जो कैटरेक्ट ऑपरेशन है बिल्कुल मुफ्त होता है। आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड, जिसके अंदर BPL कार्ड होल्डर को 5 लाख तक का कवरेज है। ये कार्ड बेलगाम के बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, जिसकी लिस्ट गूगल पे अवेलेबल है, तकरीबन 207 गवर्नमेंट इंपैनल हॉस्पिटल जो हैं, केली, लेकव्यू हो गया, नोबल केयर है, उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल है, विजय हॉस्पिटल है, श्री ऑर्थो है, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये कार्ड वैलिड है। बेलगाम में जब हमें ये इसकी इन्फॉर्मेशन मिली कि ये कार्ड बनना शुरू हो गए, तो हम लोगों ने गवर्नमेंट से ऑफिशियल अप्रूवल लेके बेलगाम के बहुत सारे एरियाज़ में हम लोगों ने ये कैंप किए। टोटल 20,000 से ज़्यादा कार्ड हम लोगों ने बनाए हैं। ऑनलाइन एनरोलमेंट हम लोगों ने किया है, और कुछ 1-2 महीने में ये कार्ड डिस्पैच भी होना शुरू हो जाएंगे। सहारा फाउंडेशन ने अब तक 120 से ज़्यादा हार्ट की सर्जरीज करवाई है केली हॉस्पिटल में। जो BPL कार्ड होल्डर हैं
उनकी फ्री हार्ट सर्जरी करवाई है, जैसे इंस्टेंट लगाना या ओपन हार्ट सर्जरी हो गई। तो आने वाले जो दिनों में हम लोग और भी जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स है वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो हम लोग उनके हार्ट की सर्जरी करवाएंगे। सहारा फाउंडेशन ने अब तक 68 पेंशन्स बनाई है, जिसमें ओल्ड एज, विडो और हैंडीकैप पेंशन है। बहुत सारे लोगों के पास पेंशन उम्र होने के बाद विधवा है या फिर हैंडीकैप है, लेकिन पेंशन नहीं थी, तो वो लोग यहाँ पे आए, हम लोगों ने कैंप्स किए, 68 से ज़्यादा उनको फ्री पेंशन बना के दी, जिनके पैसे आज आ रहे हैं और वो अपना जो मंथली एक्सपेंस है वो पेंशन से अपना पूरा कर पा रहे हैं। सहारा फाउंडेशन ने बेलगाम के बहुत सारे एरियाज़ में फ्री हेल्थ चेकअप कैंप किए। ये हेल्थ चेकअप के अंदर फुल बॉडी हेल्थ चेकअप, उसके बाद बीपी, शुगर, ECG टेस्टिंग और हार्ट टेस्टिंग, उसके अलावा जो दिगैर जो जानलेवा डिजीज़ होती है उनकी टेस्टिंग की, उनका प्रिवेंशन ये कैंप किया। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम जो डिटेक्ट हुई उनको प्रिवेंशन के बारे में और लाइफस्टाइल के बारे में हमारे डॉक्टर्स ने बताया, और जिनको जो मेजर प्रॉब्लम्स मिली वो हम लोगों ने गवर्नमेंट के स्कीम्स में हॉस्पिटल, दूसरे हॉस्पिटल्स में KLE हो गया या फिर सिविल हॉस्पिटल है, उधर उनका इलाज करवाया। सहारा फाउंडेशन ने ऑर्थोपेडिक कैंप्स भी किए हैं, जिसमें जो औरतें, घर की औरतें होती हैं उनको ज़्यादातर घुटने दर्द होना, कमर का दर्द होना और बूढ़ों को भी जॉइंट पेन होना, ये सब होता है। तो ये कैंप्स में हम लोगों ने BMD स्कैनिंग की थी, जो बोन डेंसिटी स्कैनिंग होती है, जिसमें कैल्शियम का रेशो जो होता है, उनका कैल्शियम परसेंटेज मिलता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने उनको लाइफस्टाइल के बारे में बताया कि वॉकिंग कितनी करनी चाहिए, सुबह में धूप में बैठना है, उसके साथ साथ कैल्शियम की उनको फ्री टैबलेट्स दी। तो इसमें 5,000 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया है और जिसका रिज़ल्ट भी पॉजिटिव देखने मिला। सहारा फाउंडेशन की जानिब से हर महीना 18 फैमिलीज़ को फ्री राशन किट दिया जाता है और 35 लोगों को BP और शुगर की मुफ्त मेडिसिन दी जाती है। सहारा फाउंडेशन की जानिब से पिछले साल 103 बच्चों का फ्री सर्कमसीजन खतना की गई थी, जिसमें बेलगाम के बहुत सारे इलाके से लोग आकर अपने बच्चों की खतना कर ले गए थे। सहारा फाउंडेशन NGO ने नवंबर 2021 को एक फ्री हेल्थ केयर क्लिनिक स्टार्ट किया था, जिसका नाम सहारा हेल्थ केयर क्लिनिक है। यह बेलगाम का पहला हेल्थ क्लिनिक है जहाँ पे 10 रुपये में इलाज किया जाता है। 10 रुपये में डॉक्टर कंसल्टेशन, मेडिसिंस और इंजेक्शन, उसके साथ साथ जो प्राइमरी मेडिसिंस होती है वो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब तक 25,000 से ज़्यादा लोगों का हम लोगों ने ट्रीटमेंट यहाँ पर किया है। बेलगाम के जो 10 किलोमीटर रेडियस है, सब जगह से लोग यहीं पर आते हैं दवाई लेने के लिए, और हम लोग यही चाहते हैं कि जितने लोग ज़रूरतमंद हैं वो यहीं पर आए, अपना इलाज करवा लें। हमारे कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट प्रोजेक्ट है सर्कमसीजन कैंप। हर साल हम खतना का कैंप करते हैं, जिसमें 103 बच्चों का पिछले साल कैंप हुआ था और इस साल 200 बच्चों का कैंप करने की हमारी उम्मीद है। सहारा फाउंडेशन की जानिब से सहारा चैरिटेबल डायग्नोसिस सेंटर बनाया जाएगा। बेलगाम सिटी के अंदर कोई भी चैरिटेबल डायग्नोसिस सेंटर अब तक नहीं है, तो हम लोगों ने सोचा है कि इस साल रमज़ान के बाद इस डायग्नोसिस सेंटर को बनाएं, जिसमें फेज़ 1 में चैरिटेबल क्लिनिकल लेबोरेटरी बनाई जाएगी, जिसमें हर तरह का ब्लड यूरिन टेस्ट होगा और आवाम के लिए इसमें 50% चार्ज होगा और मुश्तहिक लोगों के लिए फ्री टेस्ट किया जाएगा। फेज़ 2 के अंदर इंशाल्लाह अगले साल में इसमें सोनोग्राफी और एक्सरे भी हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे और फीमेल रेडियोलॉजिस्ट को हम लोग इसमें अपॉइंट करने वाले हैं, और ये भी चैरिटेबल रहेगा। कम से कम पैसों में हम लोग डायग्नोस करेंगे और जो मुश्तक हैं उनका फ्री हम लोग डायग्नोस करेंगे। जैसा कि पिछले साल हम लोगों ने कैटरेक्ट के 650 ऑपरेशन किए थे, इस साल हमारी उम्मीद है कि हम लोग 1,000 से ज़्यादा ऑपरेशन करें जो फ्री रहेंगे, इसमें ट्रांसपोर्टेशन, फूड और मेडिसिन फ्री रहेगा, और 5,000 से ज़्यादा लोगों को फ्री हम लोग चश्मा देने की कोशिश करेंगे। जैसा कि कुछ मुख्तसर एक्टिविटीज़ के बारे में मैंने बताया आपको, इसके अलावा भी हम लोगों ने बहुत सारे कैंप्स किए हैं। हमारे मेंबर्स जितने हैं, हम लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है इस खिदमत खल्क में, इस काम को हम लोग अंजाम दे रहे हैं। तो हमारी बेलगाम की आवाम से अतराफ जितने सिटीज़ हैं या फिर पूरे इंडिया के या जितने लोग हमारे बेलगाम के बाहर देशों में जाकर काम कर रहे हैं, उन तमाम से हमारी यही गुजारिश है
कि इस रमज़ान में अपना जो ज़कात है, अतिया है, सदका है, जो भी आप अमाउंट, जो भी आप अपना डोनेशन कहीं बाहर दे रहे थे, इस बार सहारा फाउंडेशन को दें। ये जो डायग्नोस्टिक सेंटर है, ये रिसोर्स है जहाँ से सभी लोगों का हम लोग फ़ायदा करेंगे, सभी लोगों का हम लोग इलाज करेंगे। तो आप अपना ज़कात हो गया, सदका हो गया, अतिया हो गया, उस इस बार सहारा फाउंडेशन को डोनेट करें और इस प्रोजेक्ट में आप बराबर के शरीक हो जाएं और बराबर आप अपना सवाब हासिल करें। सहारा फाउंडेशन इनकम टैक्स एक्ट 12A ATG सर्टिफाइड है। जितने भी कॉरपोरेट्स हैं, जो बिजनेस ओनर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, अपना इनकम टैक्स सहारा फाउंडेशन को डोनेट कर सकते हैं। जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट बताए, ये प्रोजेक्ट में अपना हिस्सा ले सकते हैं और जितने पैसे आप डोनेट कर रहे हैं आपको उतना ही आपको इनकम टैक्स से एक्सेप्शन मिलेगा। आपका इनकम टैक्स गरीबों की मदद के लिए इस्तेमाल होगा। तो जितने लोग इनकम टैक्स भरते हैं वो सहारा फाउंडेशन से कॉन्टैक्ट करें, हम लोग आपको सर्टिफिकेट इशू करेंगे और आपको एक्सेप्शन लेकर देंगे। सहारा फाउंडेशन ने जितने भी काम किए हैं और जो हमारा फ्री क्लिनिक उज्जवल नगर में जो चल रहा है, ये हमारे डोनर्स जो पर्दे में रहकर डोनेट करते हैं, जो कभी अपना नाम जाहिर नहीं करते, ये उन्हीं की डोनेशंस के ज़रिए से काम चल रहा है। और मैं तमाम डोनर्स, जितने हमारे डोनर्स अब तक हमें डोनेट कर चुके हैं, उन तमाम का तहे दिल से हमारी टीम के जानिब से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अल्लाह आपको जजाए खैर दे। और जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं तहे दिल से इस्तकबाल करना चाहूँगा कि सहारा फाउंडेशन से आप जुड़े, आप अपना डोनेशन सहारा फाउंडेशन को दे। हमारे जितने भी सोशल कॉज हैं इसके अंदर आप अपना भरपूर हिस्सा लें। मज़ीद मालूमात के लिए सहारा फाउंडेशन की वेबसाइट भी आप विज़िट कर सकते हैं, saharafoundationngo.org। और इसके अलावा हमारा एक ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 9986779716, इस पर आप मैसेज करके भी इंक्वायरी हासिल कर सकते हैं। सहारा फाउंडेशन का ऑफिशियल फेसबुक पेज भी है जिस पर जाके आप डिटेल ले सकते हैं और अपनी क्वेरी भी भेज सकते हैं। और हमारी ऑफिस लोकेटेड है उज्जवल नगर में, यहाँ पर भी आके आप विज़िट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।